हेलो गाइस, आज के टॉपिक है किस तरह से एडमिशन फॉर्म क्रिएट किए जाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को चालू करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करने के बाद ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज दिख रहे हैं, यह हमें लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म लिखने के बाद वहाँ हमें सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करने के बाद वो एप्लीकेशन फॉर्म पेज के मिडिल जगह में आ जाएगा। उसका कंट्रोल भी देकर बोल्ड करना है। नेम एड्रेस फादर नेम एडुकेशन क्वालिफिकेशन। इसे सिलेक्ट कीजिए, होम में जाकर लेफ्ट कर दीजिए। बाकी सारे ऑप्शन को इसी तरह लेफ्ट कर दीजिए, थोड़ा लेफ्ट आ जाएगा। एडुकेशन क्वालिफिकेशन का अगर हम बॉक्स में देंगे तो उसके लिए इंसर्ट में जाकर किसी एक शेप को लेकर उसके सामने ड्रैग कर दीजिए। इसका कलर हटाने के लिए फॉर्मेट जाइए, यहाँ आपको वो कलर हट जाएगा। स्कूल नाम दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, कीबोर्ड से जो डॉट दिखता है उसी में आपको क्लिक प्रेस करते रहना है, तभी यह आएगा। और उसका सब्जेक्ट लिखिए, अगर इस साइड में आपको फोटो देना है तो इस साइड में जाकर एक सेव लीजिए या ड्रैग कर दीजिए, फॉर्मेट जाकर उसे हटा दीजिए, तब फोटो रखने की जगह आ जाएगा। अगर इसे पेज को काला करना है तो डिज़ाइन में जाइए, क्योंकि ऑफिस 13 है, यहाँ पेज कलर मिल जाएगा। फिल पेट में जाइए या टू कलर मिल जाएगा, यहाँ दोनों कलर को मिक्स कर दीजिए तो एप्लीकेशन इस तरह से कलरफुल हो जाएगा। मार्क ड्रेस को अगर हम टेबल कर देना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाकर आपको टेबल बटन में क्लिक करना होगा या इंसर्ट टेबल मिल जाएगा। यहाँ तीन को कॉलम ले रहे हैं,
तीन का रो, यह क्लास लिख रहे हैं, यहाँ बोर्ड लिख रहे हैं, यहाँ मार्क लिख रहे हैं कितना नंबर मिला है उसको। तीन को रहते हैं मैट्रिक एच एस ग्रेजुएट, अगर एम ए क्या हुआ है तो भी दे सकते हैं। जेंडर लिखना है तो उसके लिए आप सेफ के यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाकर इसे कभी काला हटा दीजिए। सेप में जाइए, एक सेप ले लीजिए, नीचे डेट लिख दीजिए किस डेट में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। ऑफिस स्लिप जो ऑफिस यूज के लिए होते हैं, इसके लिए आपका कीबोर्ड से जो इक्विपमेंट दिखता है उसमें क्लिक प्रेस करते रहिए और एंटर दे दीजिए। यहाँ उसका नाम, स्टूडेंट का नाम, डेट, मार्क, ये सब आपको लिखना है। तो इस तरह से एक एप्लीकेशन फॉर्म तैयार हो जाएगा, इसे हम बड़ा भी कर सकते हैं, जिस तरह से ज़रूरत पड़े वैसे आप बना सकते हैं। इसे सब कर लीजिए, फाइल सेवेज, किसी भी एक लोकेशन को लेकर, मान लीजिए हम डेस्कटॉप में सेव करेंगे तो डेस्कटॉप में क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म वन लिख दे रहे हैं और इसको सेव कर दे रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों एक एप्लीकेशन फॉर्म क्रिएट होते हैं। इसको अगर हम प्रिंट करना है तो हमें कीबोर्ड से कंट्रोल एफ टू प्रेस करना पड़ेगा, तब इसका ब्लैक एंड वाइट इमेज दिखेगा। अगर आपको इसको कलरफुल करना है कलरफुल करने के लिए आपको ऑप्शन में जाना होगा। ऑप्शन में जाकर थीम को लाइट ग्रे कर दीजिए, तब कलर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह से चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।